शनि आठ नंबर काम को पूरा करके छोड़ेगा, लंबी रेस का घोड़ा होता है और अपने काम से मतलब रखता है। दूसरे इनके कार्य में कभी पेशी निकालें तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। शनि वाले लोग परख के देखते हैं, हर चीज को परखते हैं पहले। शनि वाले लोग अपोजिट जेंडर के प्रति ज्यादा कारक नहीं होते। अपोजिट जेंडर में ज्यादा घुलते मिलते नहीं। खाने के मामले में ये बहुत ज्यादा दिलचस्प नहीं होते, लेकिन किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास भी नहीं। ये लोग अपने ही कर्मों पर विश्वास करते हैं। अब कर्म प्रधान लोग होते हैं, कर्म प्रधान लोग होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, बट लगातार चलते हैं। जब कछुए की जगह चलते रहते हैं। इट्स लाइक ए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स की जो दौड़ होती है वो लंबी दौड़ होती है, सत्ता की जो दौड़ होती है वो लंबी होती है। सत्ता के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में शनि प्रधान लोग होते हैं सत्ता के, क्योंकि शनि जो है डिटरमिन्ड है, चलते रहो अपने कार्य को करते रहो। शनि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल है, ध्यान है, फोकस्ड है, डिटरमिन्ड है। शनि वाला व्यक्ति जल्दी से कर्मों से हार नहीं मांगेगा, अपने कर्मों को पूर्ण करने में सक्षम, अपने कर्मों को पूर्ण करेगा। कर्म प्रधान का इंसान होता शनि का, और जल्दी से सेटिस्फाई भी नहीं होता, पैसे नहीं खर्च करते शनि वाले लोग। इनका जो बचपन होता है वो भी आसानी से नहीं जाता, इनमें तकलीफ रहती है, बट इनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है और ये बॉसिंग फिगर होती है, बड़ा अच्छे बॉस होते हैं। लेकिन इनका क्या होता है, शनि प्रधान लोगों का टिट फॉर टैट, अगर आपने गलती करी तो गलती की सजा परिश्रम, स्टेट नो माफी, वेरी जजमेंट है, टिट फॉर टैट, इफ यू डू रॉन्ग विल डू रॉन्ग, You do right, you do it. Shani, pure Shani. Authoritative होते हैं, powerful होते हैं, giving और receiving में believe करते हैं। ये लोग dreamer नहीं होते, ये daydreamer नहीं होते, लेकिन ये लोग पक्के व्यापारी, जो हार्डकोर व्यापार होता है, हार्डकोर व्यापार, लोहा लंगड़ वाला हार्डकोर व्यापार, फैक्ट्री वाला, कारखाने वाला हार्डकोर व्यापार, ये लोग वो होते हैं। हार्डकोर व्यापार के बाद मेहनत कश व्यापार के बाद ये लोग वो, दीज पीपल आर वेरी स्टर्न बोन। शनि वाले लोग जो होते हैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बड़ी जल्दी इंटॉलरेंट हो जाते हैं, और इनके अंदर जो किसी चीज को पाने के लिए, पावर को पाने की जो हंग्रीनेस होती है वो बहुत जल्दी आ जाती है। ये लोग रिलेशनशिप को संजोरना नहीं जानते, ज्यादा रिलेशनशिप संजोर नहीं पाते शनि भगवान। शनि प्रधान लोगों जो होते हैं थोड़े पतले सूखे और टाइप लोग होते हैं, शनि प्रधान जो लोग होगा
बाहरी दिखावा नहीं करते, एक्सपोजर नहीं होता इनमें, मतलब इनके अंदर से, इनकी बॉडी के अंदर से आपको फील नहीं आएगा, इट्स लाइक नॉर्मल बॉडी। अगर ड्यूडेंट नहीं लगाएंगे, शुक्र वाला इंसान ड्यूडेंट से बिना घर से बाहर नहीं निकलेगा, छह नंबर वाला ड्यूडेंट लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलेगा, आठ नंबर वाला लगाएगा बदबू भी आता आदमी का, कुछ नहीं। छह नंबर वाला व्यक्ति जब तक सच दस दिन लेगा घर से बाहर नहीं आएगा, आठ नंबर वाला व्यक्ति कहेगा आप देखते कौन घर से बाहर से निकालता है, फटे कपड़े तो मेरे है ना, मैं देखूं किसको तुम बाहर निकाले मेरे को बाजार से, सफल नहीं करता। वो धोती कुर्ते में भी चला जाएगा फर्नीचर में, वो फर्नीचर का चप्पल में भी चला जाएगा, पर छह नंबर वाला कहेगा जब तक मैं टिप टॉप नहीं हूंगा ना नहीं जाऊंगा। और एक नंबर वाला बोलेगा जब तक मेरी अदब बॉसी नजर नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगा, बॉस होना चाहिए मैं, आई शुड लुक लाइक ए लीडर बॉस। आठ नंबर वाला व्यक्ति झुकेगा नहीं, बोलेगा नहीं झुकेगा नहीं, टूट जाऊंगा मर जाऊंगा झुकूंगा, कहां चलना बता, कोर्ट चलना चल, थाने चलना चल, बता कहां चल, झुकूंगा नहीं। पांच नंबर वाले भाई हाथ मिला लेते हैं, यार पता कैसे काम चलता, बता क्या ले देखे काम चला चला, बता हाथ मिला लेते हैं यार। साथ में आठ नंबर वाला आएगा अकड़ जाएगा, मैं तो ना लू पुलिस स्टेशन चले, आठ नंबर वाला भी, आठ नंबर वाले के साथ सिर मारना मतलब पत्थर पे सिर मारना, आठ नंबर वाले को क्या चीज मेल्ट करती है, सिर्फ एक चीज जल्दी से जो मेल्ट करे वो करेगी माफी, उसके साथ में बोल भाई गलती हो गई क्षमा कर देगा, जल्दी से माफ वो भी नहीं करते, दिल से नहीं करते, फिर भी ठीक है छोड़ा तू भी क्या याद करे, ऐसे आसान की तरह तेरा भी किससे पाला पड़ेगा, जा पहुंच गए याद है। बट व्यापार के पक्के होते हैं लोग, ये लोग व्यापार के पक्के होते हैं, पैसे के पक्के होते हैं लोग, मैं कहता हार्ड कोर व्यापारी होते हैं, हार्ड कोर व्यापारी होते हैं शनि वाले, शनि वाले व्यक्ति को हल्के में भी लेना चाहिए, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है, दुआ तो मिले या ना मिले लेकिन बदुआ बहुत का बहुत दिक्कत देती है, मतलब उसकी जो दृष्टि है ना वो हमेशा नकारात्मक ही मानी जाती है, इसलिए शनि वाले व्यक्ति से पंगे लेना चाहिए, काम बनता है ठीक है, नहीं बनता हाथ जोड़ के नमस्ते करो आगे पास दूंगे पक्के नहीं, तो क्यों शनि वाला व्यक्ति किल 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 करेगा तो नुकसान अपना करेगा हमारा करेगा, उससे फालतू पंगे नहीं, नमस्ते करो ऐसे गलती हुई आगे से आपसे मुलाकात ही हो, धन्यवाद आइयो, ये खास बात शनि वाला अगर मेल मेंबर होगा जनरली लेट शादी के एक्सपीरियंसेस इनके रहते हैं, जनरली पार्टनर की फीलिंग के जो रिस्पेक्ट या जो भाव होता है उनकी कमी रहती है, बट दे आर वेरी डिवोटेड टू देयर फैमिली, डजंट मीन कि दे आर नॉट डिवोटेड, दे आर वेरी डिवोटेड, देखिए एक उनके अंदर ना एक खारापन होता है, ये लविंग नहीं होते, ये उनकी पर्सनैलिटी में लव अफेक्शन वाला शब्द आते नहीं है, शनि और शनि ये दूर होते हैं इससे शनि वालों से, शनि वाला व्यक्ति का जो ट्रेड होगा मेल का वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको मजा नहीं आता, उसको बातचीत करने में ज्यादा बात करने में ना मजा नहीं आता, टॉकेटिव नहीं होते ज्यादा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एक्चुअल में इनकी दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन दे टॉक वेरी स्ट्रेट,
व्हेन दे टॉक वेरी स्ट्रेट सामने वालों को लग जाती है, और जब उनको लग जाती है तो फिर दिक्कत होती है, उसकी ये लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये मैनिपुलेटर नहीं है, टंग ट्विस्टर नहीं है, ये आती नहीं टंग ट्विस्टर। और जो लेडीज होती हैं ये बहुत प्राइवेट होती है, बड़े ही अपने में रहती हैं, लेकिन द फीमेल ऑफ शनि प्रधान आर वेरी ट्रस्टवर्दी एंड दे स्टैंड विद देयर पार्टनर व्हाटसोएवर द कंडीशन, एंड दे हैव ग्रेट कंसर्न फॉर देयर चिल्ड्रन। लेकिन देयर आर हाई पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट एंजॉयिंग द मैरिड लाइफ, डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, क्योंकि उनका अपना पर्सनैलिटी ट्रेट भी ऐसा होता है जिसके अंदर एक फील, फीमेल फील जो होता है, एक फेमिनाइन फील जो होता है उसकी कमी होती है, फेमिनाइन फील की कमी रहती है, और फेमिनाइन फील की कमी की वजह से जो एक फैक्टर होता है जो शनि का, मतलब एक जो मैरिड लाइफ का, कपल लाइफ का, दाम्पत्य जीवन का, उसमें नुकसान होता है, उसमें कमी आ जाती है। ये इसके ट्रेट्स हैं। किस किस के पास आठ नंबर के, उनको आठ नंबर से पैच करता रहा है। यस दीपिका जी, आपने हैंड रेस किया, बताएं, आवाज म्यूट, आवाज नहीं आ रही आपकी, आपने हैंड रेस किया? नहीं सर, मेरा नहीं है, मैं सिर्फ पहले का रेस किया है। जी किसके पास आठ नंबर है, कौन अपने आठ नंबर से? जी प्रवीण जी, सर फादर का सर 26 नंबर सर। अच्छा, हमेशा 26 नंबर नहीं किया ना हमने, हमने ये नहीं किया ना नंबर से, ये भी कर दो, दो मिनट, आठ नंबर वाला व्यक्ति, आठ सत्रह छब्बीस, आठ सत्रह छब्बीस, आठ नंबर वाला व्यक्ति एक प्रॉपर्टी को मैनेज कर लेगा, अच्छा कर लेता है, दे हैव अ गुड लीडरशिप स्किल, दे आर वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स, आठ नंबर वाला व्यक्ति, पर दे आर बिट सेल्फिश पीपल एंड बिकॉज ऑफ दैट दे कैन फेस सीरियस प्रॉब्लम इन टू देयर लाइफ। सत्रह नंबर एक और सात, एक लीडर सात इंप्लॉई, तो दे लूज टेंपर वेरी इज, क्योंकि एक नंबर आएगा शासक, सात नंबर है दिल से, तो शासक और दिल से काम नहीं चलता, नहीं बनता, शासक का काम है दिमाग से, दिल से नहीं, शासक दिल से करेगा तो दे लूज टेंपर वेरी इज, सामने वाले गलत किया है छेद दे दे, दिल से वास्तव ये निकलेगी, दिमाग बोलेगा फ्रंट रख, मुंह आएगा इसको छेद देगा, उस एक और साथ बड़े लूज टेंपर, बहुत जल्दी लूज करते हैं, ये लोग जो होते हैं एक और साथ वाले जो होते हैं वो देयर इट्स लाइक अपने आप को बैंड करना भी चाहते हैं, बैंड हो भी नहीं पाते। सात नंबर कहेगा भैया फला से समझौता कर ले, एक नंबर उसको रोक देगा और शनि ऊपर से अकड़ जाएगा, तो सात नंबर वाले के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सिचुएशन रहती है, डू आई कम्प्रोमाइज और नॉट कम्प्रोमाइज, कम्प्रोमाइज नॉट कम्प्रोमाइज, ये इनके साथ एक मंथन चलता है। एक और चीज है इनके साथ साधन वाले साथ, इन्हें हाउ एवर शनि को ये पसंद नहीं है, बट सत्रह नंबर वालों के साथ ये कनेक्ट आ जाता है कि दे लव टू फ्लर्ट, लेकिन दिक्कत कहां आती है, क्योंकि शनि आठ नंबर है, फ्लर्ट टिक नहीं पाता, पर इनको मजा, इनको कोशिश होती है, दे लव टू फ्लर्ट। एक नंबर राजा है ना, राजा, राजा तो कहता मैं तो राजा तो मैं ही हूं भाई, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, आठ नंबर वो एटीट्यूड में आता है, सात नंबर पर दिल से सोचता है, दिल का राजा, सात नंबर दिल का राजा, एक नंबर की देश का राजा, तो फ्लर्ट करने में इनको मजा आता है लेकिन टिक नहीं पाता। अब आई बात 26 की, जो कि प्रवीण जी के काम की है, 26 वाले लोग, 26 वाले लोग जो होते हैं
जीवन में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनके अपने दुश्मन भी बहुत होते हैं, और इन लोगों को जीवन में जो पैसा मिलता है स्ट्रगल से मिलता है और अपनी जीवन के थोड़ा लेटर से होता है। दो नंबर क्या है, चंद्रमा सबकॉन्शियस, और छह नंबर क्या है यहाँ पे, चिराग ड्यूटी के साथ, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं थी। समझ रहे कैसे, दो नंबर तो है माँ और सात नंबर है पुत्र, छह नंबर है पुत्र वधु, माँ और पुत्र वधु, और ये मैथ का कंपैटिबल, सात पे आठ नंबर भी है। आठ नंबर क्या है यहाँ पे, आठ नंबर वाला जो है ना वो कड़क बोल देता है, उसके अंदर एक प्रवृत्ति हमेशा होती है बोलने की, जो बोलेगा स्टेट तक नुकीला लाइक डॉट की तरह डॉट आता ना, वो तीर मारने वाला डॉट ऐसे लाइक दिस, निशाने में लगे ना लगे वो मार देगा। दो और छह के कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, दो नंबर वाला सोचता तो है फिर भी लग जाता है, फिर पछताता है, और उसकी वजह से जीवन में उनके जो सक्सेस है वो उनको कंफर्टेबल नहीं होती, जीवन उनका बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। छब्बीस नंबर का दुश्मन बहुत होता है, एनिमीज बहुत होता है, जीवन जो है आमतौर पर इनका एक फ्लो नहीं चलता, झूले की तरह चलता है, स्ट्रगलिंग चलता है, अप्स एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है, और शब्दावली जो होती है इनकी ये कोशिश करते हैं अपने आप से कि किसी को गलत ना बोले, क्योंकि दो नंबर और छह नंबर दोनों गलत नहीं बोलना चाहते, लेकिन आठ नंबर जो है शब्दावली को बोलते बोलते जब बात करते 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 एक ऐसे शब्द का यूज कर जाते हैं जो सामने वाले को टकरा जाते हैं।